मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शिविर का हुआ आयोजन। राजद समर्थित MLC प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ कुमार ने कराया चिकित्सा शिविर का आयोजन। नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का हुआ मेडिकल इंश्योरेंस। राजद समर्थित MLC प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ कुमार के सौजन्य से महनागनी पंचायत स्थित पंचायत भवन में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक वर्ष के लिए स्वास्थ्य बीमा का फॉर्म भरा गया। यह मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भारत सरकार का एक उद्यम है और जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 तक के हॉस्पिटल खर्च का प्रावधान है। साथ ही अतिरिक्त दुर्घटना जनित मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए का मुआवजा, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में प्रतिदिन 50 रुपए का भुगतान आदि शामिल है। हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शिविर के मुखिया अजय कुमार राय, मुख्यापति शिवशंकर यादव, नग नारायण राम सहित मनोज शाह, अशोक कुमार पांडे आदि लोग उपस्थित रही है। मतलब कि इससे क्या लाभ है? इससे लाभ यही है कि मतलब भविष्य में कोई मतलब दुर्घटना हो या कोई हो तो उससे लाभ मतलब उठा सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार। कौन सा पंचायत से? महानगरी पंचायत वार्ड नंबर 13 से। जो सौरभ कुमार के जरिए बनवाया जा रहा है जनप्रतिनिधि, हम लोगों के लिए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अफरोज अंसारी। कौन से वार्ड से हैं? चनार वार्ड 2 से हैं। आपका नाम? अफरोज अंसारी। सौरभ कुमार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शिविर लगाया गया है, इसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं, अपना इंश्योरेंस कराए हैं, इससे आपको भविष्य में क्या लाभ मिलने की संभावना है, क्या फायदा होने वाला है? फायदा होने वाला है कि समय पर मुफ्त में इलाज होगा। उसके बाद में दुर्घटना स्थिति में इसमें बताया 25,000 का रुपया का भुगतान भी प्रावधान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से मिलने वाला है प्रतिनिधियों को। आपका परिचय? मैं आलोक कुमार माझी, पंचायत समिति चनायन बांध, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। सुगर मिल इंडस्ट्रीज के जीएम केन ने किसानों संघ की बैठक। मझौलिया सुगर मिल इंडस्ट्रीज के जीएम केन जयप्रकाश त्रिपाठी एवं डायरेक्टर आर शारदा ने तिरवा क्षेत्र में भुगाड़ी बाजार स्थित समाज सेवी अली असगर के दरवाजे पर सैकड़ों किसानों की एक बैठक कर किसानों को गन्ना की बुआई समेत कटाई इंडस्ट्रीज में गन्ना पहुंचाने और इसके भुगतान के बारे में समझाया। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने गन्ना भुगतान में होने वाली गड़बड़ी और गन्ना की बुआई के बारे में होने वाले समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अली असगर जिला पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन, मोहम्मद मोहसिन हाफिज, जावेद अख्तर, अतीउल्ला, अबुल हसन, शेख उमर शमसुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। मेन उद्देश्य है कि किसानों भाइयों की समस्याओं को समझना कि गन्ना लगातार हमारे क्षेत्र में क्यों घटते जा रहा है। बाढ़ की तो एक समस्या है ही, उसके अलावा अगर इनकी कोई भी समस्या हो जिसका निदान हम कर सकते हो उसके लिए इन सबसे मिलना, इनकी बातें समझना और जानना वो ज़रूरी है। और इनकी भी तकलीफ़ हम ही दूर करना है, हम ही कर सकेंगे, तो उसी में मीटिंग करनी ज़रूरी है। हम प्राय और भी कई गांव में जाएंगे, सब जगह समझेंगे और जहां तक हो सकेगा हमारे तरफ से हम इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। किस तरह का सर गन्ना लगाने का बल दिया गया विशेष तरह? ये जमीन देख के, ये 238 को पूरा फैला दें वो उचित नहीं है। जिस ज़मीन पे 238 नहीं टिक सकता वहाँ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। वो इन लोगों को इस 2 साल में समझ में आया कि बाढ़ में 238 टिका ही नहीं, तो अपलैंड हमारा एरिया है नहीं, ज़्यादातर लो लैंड है, तो उस ज़मीन के हिसाब से वैरायटी लगाएं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भले ही जनरल लगना लगाए लेकिन अर्ली लगाने के चक्कर में अपना भी नुकसान करे और मिल का भी, ना रिकवरी मिले ना वजन, फ़ायदा क्या। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार। मझौलिया पुलिस ने 1 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंगलवार के दिन मझौलिया पुलिस ने 1 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया इनके विरुद्ध थाना कांड संख्या 128/22 धारा 30A बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त भुवाली प्रसाद पिता स्वर्गीय रामनाथ प्रसाद साकिन करामवा वार्ड नंबर 8 निवासी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत भेजा गया बेतिया न्यायिक हिरासत में। इस छापेमारी दल में संजय कुमार सहित पुलिस बल भी शामिल रहे। कल LTF एवं जगह पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई देसी शराब बनाने वालों के विरुद्ध में, इस संदर्भ में मझौलिया थाना कांड संख्या 128/22
दिनांक 21/2/2022 धारा 30 मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें भुवाली प्रसाद के पान दुकान के पीछे से बरामद किया गया तथा भुवाली प्रसाद को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। एक कर्मो वार्ड नंबर 8 के निवासी इनके पास से 1 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद। मझोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।